सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफैलिबल स्टडी बुक रिव्यू सेशन। यस, मार्केट में इतने सारे पब्लिशर्स हैं ना कि बच्चे हमेशा कमेंट करते रहते हैं कि सर कौन सी बुक ली जाए और कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी बोर्ड एग्जाम में या फिर अपने एकेडमिक या स्कूल एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को गेन करने के लिए। यस, आज मैं जो पब्लिशर की बात कर रहा हूँ, ये दोनों के दोनों पब्लिशर, चाहे वो एग्जाम आइडिया हो या फिर एडुकार्ट, ये 9th, 10th, 11th, 12th सारी ही क्लासेस के सारे स्ट्रीम्स के लिए बुक्स बनाते हैं। बट क्या इन दोनों बुक्स में कोई डिफरेंस है, और डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है, और वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि इन दोनों पब्लिशर्स में से तुम्हें कौन सी बुक लेनी चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे पास ऑलरेडी सारे ही पब्लिशर्स की बुक है और इनके सारे ही सब्जेक्ट्स हैं, बट आज मैं कंपैरिजन के लिए सिर्फ दो ही बुक लेकर आया हूं, क्योंकि हमारा मेन कॉन्सेप्ट ये है कि मैं ये बता सकूं कि इन दोनों ही पब्लिशर्स के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन हाँ, वीडियो के लास्ट तक तुम्हें एक एक स्टेप पता चलेगा। क्यों पता चलेगा? क्योंकि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं, और ये पैरामीटर्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं कि इन्हीं के बेसिस पे आपको पता चल पाएगा कि हमारे एग्जाम आइडिया और एडुकार्ट इन दोनों बुक्स में क्या डिफरेंस मिलने वाला है। यहाँ पर मैंने बुक के प्राइस को कंसिडर नहीं किया है, क्योंकि बुक का प्राइस को लेकर मैं कभी भी बुक्स के रिव्यू में नहीं देता हूँ। सो कंपैरिजन की सीरीज में हम सबसे पहले देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को, कि क्या बेसिक कॉन्सेप्ट दोनों में गिवन है। तो यस, एग्जाम आइडिया और एडुकार्ट दोनों में ही बेसिक कॉन्सेप्ट गिवन है। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वही एग्जाम आइडिया में कंप्लीट जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हो या बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है। बट वही एडुकार्ट की बात करें तो कुछ क्वेश्चंस के ही सॉल्यूशन दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं दिए हुए हैं। अब क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप कहोगे कि इसका फायदा क्या है, वो तो हमें खुद से करना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चंस का सही आंसर होता है ना, तो आप उसे लर्न करके जब आंसर राइटिंग करते हो तो आप एक परफेक्ट आंसर लिखते हो। और आपको पता है अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, तो जब तक आप उसके परफेक्ट आंसर को नहीं लिखोगे, आपको 5 मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये एक बेस्ट फायदा है एनसीईआरटी सॉल्यूशन का, जो कि एग्जाम आइडिया की बुक में प्रोवाइड किया गया है। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, तो यस, एक्सरसाइज भी यहाँ पर कंसिडर की गई है, और यहाँ पर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। ऐसा नहीं है पूरी तरह से नहीं लिए गए हैं, लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं। अच्छा, दो मेजर डिफरेंस जो इन दोनों बुक्स में है, वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आपको बुक्स लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो इन दोनों में से कौन सी बुक लेनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो MCQs की, तो यस, MCQs दोनों में ही गिवन है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। MCQs दोनों में ही गिवन है, आप दोनों में ही MCQs का अच्छा लेवल देख सकते हो। इसके बाद आता है assertion and reason के questions, तो यस, ये भी हमारे दोनों ही बुक्स में प्रोवाइड किए गए हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसके लिए दोनों बुक ले सकते हो। पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करें, तो ये भी दोनों में प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। हाँ, इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर, ये भी दोनों में मिलेंगे आपको, एंड वेरी शॉर्ट आंसर जो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपको दोनों में मिलेंगे। लेकिन इनमें प्रॉब्लम क्या है, किसी में प्रॉब्लम मैंने बोला, वीडियो के लास्ट में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। हाँ, यहाँ पर लॉन्ग आंसर की बात करें तो लॉन्ग आंसर भी मिलेगा आपको, लेकिन जो लास्ट में आपका सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का कॉलम आता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपने पूरा चैप्टर पढ़ा, सारे क्वेश्चंस रीड किए, अब आपको कैसे पता चलेगा आपको कितनी नॉलेज मिली, तो उसके लिए एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होता है, जो कि हमारे एग्जाम आइडिया की बुक में तो मिलता है, लेकिन मुझे एडुकार्ट की बुक में देखने को नहीं मिलता। इवन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं है जो टेस्ट के या प्रैक्टिस के लिए दिए गए हों, यहाँ पर इसका कोई ऑप्शन नहीं है। अब बात ये आती है कि कौन सी बुक दोनों में यूनिक है, तो इस पैरामीटर के हिसाब से तो एग्जाम आइडिया तो हमारी जीत जाती है, लेकिन एडुकार्ट में थोड़ी सी कमी यहाँ पर रह गई है, क्योंकि दो ऑप्शन जो कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट का है, और यहाँ पर जो एनसीईआरटी के इंटेक्स और बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो कम्प्लीट नहीं दिए गए हैं। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों बुक्स में मुझे देखने को मिला है, कि जहाँ पर अभी हम बात करें एडुकार्ट वाली बुक का, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनसॉल्व हैं, मतलब अगर आपको एक चैप्टर की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे जो अनसॉल्व हैं। लेकिन अगर वही एग्जाम आइडिया की बुक की बात करें, तो ए टू जेड जितने भी क्वेश्चंस इसमें गिवन हैं 100% सॉल्व हैं और कंप्लीट सॉल्व हैं, ऐसा भी नहीं कि हिंट दे रखा है, पूरी तरह से सॉल्व है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिससे एग्जाम आइडिया की बुक थोड़ा सा और ऊपर चली जाती है,
सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अभी आपको कौन सी बुक बाय करनी है। बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हाँ, अगर मेरी बात करूँ तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप सारे के सारे बच्चे एग्जाम आइडिया की तरफ जाओ, क्योंकि यहाँ पर एक तो सारे क्वेश्चंस के 100% सॉल्यूशंस गिवन है, प्लस आपको एनसीईआरटी इंटेक्स और एक्सरसाइज उनका भी सॉल्यूशन स्पेशली मिल जाएगा, और प्लस चैप्टर के एंड में आपको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट मिलेगा ताकि आप जज कर पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी हो रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनके क्वेश्चंस का जो पैरामीटर है वो बोर्ड को बहुत अच्छे से मैच करता है, यानी अगर आप एग्जाम आइडिया बुक की 100% प्रिपरेशन करके जाते हो तो बोर्ड में आपके 100% कन्फर्म है। So, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेना और वीडियो को शेयर करना अपने सारे ही क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ये दोनों ही पब्लिशर 9, 10, 11, 12 चारों ही क्लासेस के लिए हर स्ट्रीम्स में बुक्स को पब्लिश करते हैं, तो ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी बुक नहीं लेनी चाहिए। सो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से बुक रिव्यू के नए सेशन में, तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।